मम मित्रः अहं भवत्याम् अलका पुनः सुस्वागतं भवतः भवत्याम् कथमासी अद्य वयम् पाठ एक संस्कृत सुभाषितानि जानामि। तो इसमें मैं आपको हिंदी में भी सारे अनुवाद बताऊंगी जो जो मैं इंग्लिश में रीड करूंगी। सो मैं इसे सॉन्ग टाइप रीड करूंगी, तो आइए सुनते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम् मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। तो अभी मैंने गाया, अब चलिए अब अनुवाद देख लेते हैं इसका। मैंने अनुवाद आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर लिख दिया है। पृथ्वी पर केवल तीन रत्न हैं, जल अन्न और मधुर अच्छे वचन। आप अच्छे वचन भी इसे बोल सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इनकी समझ रखते हैं, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम, और साथ ही साथ वर्ड मीनिंग भी देखते जाते हैं। चलिए वर्ड मीनिंग्स भी यहाँ पे श्लोक एक के वर्ड मीनिंग्स साथ ही साथ हम वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते हैं। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, पृथ्वी में, ओके, पृथिव्याम पृथ्वी में त्रीणी अर्थात तीन, रत्नानी अर्थात रत्न, जलम अन्नम अर्थात जल अन्न, सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन, जलम धन अन्नम, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया है ना मैंने जलम अन्नम। तो इस इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है जलम अन्नम, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। इसकी संधि जब हम कर देते हैं तो ये ऐसा हो जाता है। चलिए इसको रब कर देते हैं सबसे पहले। उसके बाद है सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन, मूढ़े अर्थात मूर्ख, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम विधीयते दिया जाता है। तो इसका अर्थात जो मैंने अभी अनुवाद में बताया इसका मतलब हो जाएगा अगर आप पूरे को जोड़ देंगे तो। अब आइए हम देखते हैं हमारा दूसरा श्लोक जो है उसे हम कैसे गाएंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब इसका अनुवाद और उसके बाद इसकी वर्ड मीनिंग हम देख लेंगे, अर्थात शब्द अर्थ हम देख लेंगे। मैंने वर्ड मीनिंग बोल दिया। सत्य से पृथ्वी का धारण होता है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु अर्थात हवा बहती है, सब कुछ सत्य पर आधारित है। अब चलिए इसकी देख लेते हैं हम शब्द अर्थ देख लेते हैं। तपते अर्थात जलता है, रवि सूर्य का एक नाम, हम पर्यायवाची बोलते हैं ना सूर्य रवि, वैसे ही सत्येन सत्य के द्वारा, धार्यते धारण किया है, वाति बहती है, वायुश्च हवा भी, सर्वम सब प्रतिष्ठितम अर्थात स्थित है। तो इसका अर्थात जैसे कि मैंने अनुवाद में बता दिया है वही होगा कि पृथ्वी सत्य धारण किए है, सत्य से सूर्य तपता है, रवि मतलब तपता है, सूर्य जलता है, और सब कुछ सत्य से स्थिर है। अब देखिए अब तीसरा जो श्लोक है हम उसे गाते हैं। चलिए। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेन ये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो अब हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। चलिए इसका अनुवाद क्या है श्लोक तीन का। दान में, तप में, बल में, शौर्य में, विनम्रता में कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर निश्चय ही अनेक रत्न हैं, मतलब पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, तो इन सब चीज़ों पे हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब चलिए श्लोक तीन के शब्द अर्थ भी देख लेते हैं। तपसी अर्थात तपस्या में, शौर्य बल में, च और विनये विनम्रता में, नये नीति में, विस्मयो आश्चर्य, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, न नहीं ही, ही मतलब निश्चय ही, इसका मतलब नहीं होता है पर ही भी एक वर्ड है उसका मतलब होता है निश्चय ही, कर्तव्यो करना चाहिए, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी। तो इसका अनुवाद भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब हम करेंगे श्लोक चार। तो आइए श्लोक चार पे आ जाते हैं सबसे पहले। अब आप लोगों को क्लियर होगा आई होप आप लोगों की स्क्रीन पे। चलिए इसे भी गाते हैं। सद्भिरेव सहासीत
सद्भिः कुर्वीत संगतिम् सद्भिर्वादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। अब जैसे हम सबका अनुवाद करते आ रहे हैं श्लोक एक से, वैसे इसका भी अनुवाद करेंगे। तो चलिए, क्या अनुवाद है इसका? सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, हमें सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों तथा दुर्जनों मतलब असज्जनों अर्थात दुर्जनों से दूर रहना चाहिए। अब देखिए किंचिदाचरेत, इसे हम कैसे लिख देते हैं? आपकी स्क्रीन पे मैं इसे लिए लिख लिख के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होता है तो वो आप लोगों को क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। ये जो हम प्लस लगाते हैं इसे हम बोलते हैं धन, ठीक है? यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दे रही हूँ, आचरित। ये देखिए, इसको मिला देंगे हम, इसकी संधि कर देंगे तो ये बन जाएगा किंचिदाचरेत, ठीक है? अब चलिए, अब इसका अनुवाद मैंने कर दिया था आप लोगों के सामने। इन सब चीज़ों में हमें कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब चलिए, इसका भी हम जो श्लोक हमारा चार है इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मैंने पूरे 6 श्लोकों के शब्दार्थ तैयार किए हैं तो अभी 4 पे हम पहुँचे हैं, 4 पे। तो आइए श्लोक 4 के शब्दार्थ, सद्भिरेव। एक मिनट, हाँ जी, सद्भिरेव, तो इसका भी हम कर लेते हैं। सद्भि सबसे पहले हम लिख लेते हैं धन, धन लगाने के बाद एवं फिर उसके बाद सद्भि, ठीक है? सद्भिरेव इसे हम बोलते हैं, विसर्ग लग गया ना तो र और एव, तो सद्भिरेव। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। अब चलिए, सद्भिरेव सज्जनों से ही, सज्जनों से ही साहसीत, साहा धन असीत, धन असीत, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को, इसको मिला के इसकी संधि कर देते क्या बनेगा ये साहसीत, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिस पे मैंने अंडरलाइन किया भी था। तो साहसीत इसका मतलब क्या होता है? साथ बैठना, साथ साथ बैठना चाहिए, ठीक है? अब आई होप अब क्लियर होगा। जैसे कि है ना, सद्भिरेव साहसीत, हमें सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए, कि आप लोग नोट भी कर सकते हैं अपनी संस्कृत के नोटबुक में, है ना? तो आइए इसको सबसे पहले रब कर देते हैं, उसके बाद जाएंगे। अब ये रब हो गया, अब चलिए देख लेते हैं क्या है उसके बाद। कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम अर्थात संगति मतलब साथ, सद्भिर्वादम मतलब सद्भिर्वाद मतलब सज्जनों के साथ हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, मैत्री मित्र च मतलब और, ना सद्भि दुष्ट लोगों के साथ, किंचिदाचरेत कुछ आचरण करना चाहिए, ठीक है? अब चलिए, अब हम श्लोक 5 पे आ चुके हैं, तो अब श्लोक 5 की हम श्लोक 5 को गाएंगे भी और उसके बाद इसकी इसका अनुवाद करेंगे और इसके शब्द अर्थ भी देखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो अब उसके बाद देख लेते हैं इसका अनुवाद 5 का, यहाँ पर ये देखिए आ गया है और अब इसका अनुवाद हम देख लेते हैं। धन संबंधी कार्यों में विद्या ग्रहण करने में, आहार खान पान में शर्म लाज को त्यागने वाला ही सुखी रहता है। चलिए इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, इसका शब्द अर्थ देख लेते हैं, बीच बीच में नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं वो आ ही जाते हैं मुँह पर। तो 5 आ गया। धन धान्य प्रयोगेशु अर्थात धन और धान्य व्यवहार में, संग्रहेशु संग्रह में, आहारे आहार में मतलब खान पान में, ठीक है? यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, खान पान में भी आप लोग लिख सकते हैं, खान पान बीच में आप लोग हाइफन भी लगा लीजिएगा, खान पान में, ठीक है? खान पान में रब कर देती हूँ, अब इतना क्लियरली नहीं लिखा था ये इस वजह से। चलिए खान पान में, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? व्यवहारे, आहारे मतलब खान पान में, व्यवहारे मतलब व्यवहार में, त्यक्त लज्जह अर्थात शर्म को छोड़कर सुखी खुश
भवेत होता है। अब इसकी हम कैसे करेंगे वो भी मैं लिख देती हूँ। त्यक्त लज्जह की, त्यक्त धन लज्जह, ठीक है, इसे हम बोलते हैं त्यक्त लज्जह। इसकी जब हम संधि कर देते तो क्या बन जाता है ये, त्यक्त लज्जह। आई होप क्लियर है, मैं इसे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। त्यक्त मतलब होता है त्यागना और लज्जह मतलब होता है शर्म, मतलब हमें शर्म को त्याग देना चाहिए, है ना। इन सब चीज़ों में हमें शर्म को त्याग देना चाहिए, वरना हम शर्म करेंगे खाने में पीने में हर चीज़ में शर्म थोड़ी चाहिए होती है। वहाँ शर्म करो जहाँ ज़रूरत होती है शर्म करने की, ऐसी जगहों पे शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है खान पान में। चलिए भवेत मतलब होता है। अब लास्ट आखिरी श्लोक हमारा बचा है श्लोक छः। चलिए अब श्लोक छः देख लेते हैं। बहुत अच्छा वर्ड लगता है मुझे फर्स्ट वर्ड, तो चलिए कह लेते हैं, इसको भी गा लेते हैं। क्षमावशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शान्ति खड्गः करेयस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अब इसका भी अनुवाद हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका, जो इसकी हम सिद्धि करेंगे तो कैसे होगा। क्षमा धन वशीकरण, वशीकृति, ठीक है, वशीकृति, वशीकरण, वशीकृति, जमा लोरके, ठीक है, इसे लिख लिया मैंने, आप लोगों को क्लियर होगा आई होप। अब चलिए नीचे इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसे लिखे ही रहने देते हैं। चलिए नीचे क्या है देख लेते हैं इसका अनुवाद। अनुवाद क्या है इसका, संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता, जिसके कर में शांति रूपी तलवार है उसका कोई दुर्जन कुछ नहीं कर सकता, अर्थात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चलिए अब इसका भी हम शब्द अर्थ देख लेते हैं इसके, क्योंकि ये आखिरी है तो चलिए देख लेते हैं। क्षमा वशीकृति लोके, अर्थात क्षमा वशीकरण, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, क्षमया क्षमा के द्वारा साध्यते सिद्ध होता है, शांति खड्ग शांति रूपी तलवार, ठीक है, शांति खड्ग जो है उसको हम संधि कर लेते हैं उसकी भी, तो शांति धन खड्ग, शांति खड्ग शांति रूपी तलवार, जैसे कि आप लोगों को बताया गया है यहाँ पर अर्थ में मैंने लिख दिया था शांति रूपी तलवार, है ना। यहाँ पर मतलब भी यही होता है, संस्कृत और हिंदी वर्ड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो आप चलिए इसको कर लेते हैं, अब उसके बाद इसको रब करना पड़ेगा ना, रब कर लेते हैं। हाँ जी ये रब हो गया। अब उसके बाद करे, करे कर जो हमने पढ़ा था ना, कर कर में शांति रूपी तलवार वाली जो लाइन थी वो, हाथ में कर मतलब होता है हाथ में, कर जोड़कर तो हाथ जोड़कर, यस्य जिसके, दुर्जन दृष्ट व्यक्ति या फिर दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट ही लिखा है ये, दुष्ट व्यक्ति। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।